हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही मनाकर पढ़ाई करो। आज सीखेंगे मुझसे एक नया फार्मूला, बेहद आसान है, मात्र 3 स्टेप में सिखाऊंगा। और आप लोग इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों के इसको शेयर कीजिए जितना हो सके, अपने दोस्तों को बारे में, चैनल के बारे में बताइए। कोई ऐसा चैनल है जो क्या करता है, बेसिक चीज़ें के बारे में बहुत फोकस करते हैं हम लोग। मैं एक एक करके ढेर सारे वीडियोज़ आप लोग के बनाता हूँ, जिससे क्या होगा, जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का फार्मूला है कॉपर कार्बोनेट दे रखा है। सबसे पहला स्टेप सिंबल, कॉपर का सिंबल पता होगा आपको, नहीं पता चलिए मैं बताता हूँ। सी यू एस इसको डिनोट करते हैं, कार्बोनेट को CO3 से करते हैं, क्लियर। देन सेकंड स्टेप क्या दे रखा है, आयन दे रखा है, या इसको वैलेंसी या रेडिकल भी कहते हैं। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, 1 दे रखा है तो मोनो होगा वैलेंट, 2 है तो क्या वो डायवेलेंट, 3 तो ट्राइवेलेंट, 4 टेट्रावेलेंट होगा। देन इनकी वैल्यू होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए सेकंड लिखा है, मीन्स क्या हुआ, सी यू की जो वैलेंसी है वो क्या प्लस की 2 होती है, कार्बोनेट की होती है CO3 माइनस का 2 होती है। दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या हुआ, डाईवेलेंट के फॉर्म में दे रखा, क्लियर। ये जो वैल्यू है यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, इसकी 2 होती है, कार्बोनेट की भी 2 होती है, दोनों सेम सेम है। बट यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है, क्रिस क्रॉसिंग, तो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, CuCO3 होता है। इस तरीके से क्या होता है, फॉर्मूले फाइंड हो जाते हैं। तो देखा कितना आसान है कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला, इस तरीके से क्या होता है, फॉर्मूला फाइंड किया जाता है। कोई टफ नहीं होता है, अगर आपने इच्छा की है तो हर काम संभव है, वो बिल्कुल सरल लगेगा आपको, जब बस हल्का सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, और हर काम जो टफ लगता है वो आसान लगेगा। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।